परिस्थिति से, मतलब आगे जाके आने वाले चुनाव में ऐसे लोग वापिस चुनके नहीं आना चाहिए, इतनी खबरदारी पत्रकारों ने भी रखनी चाहिए, क्योंकि पेन में बहुत ताकत होती है। अगर आपने समाज प्रबोधन करने का काम पत्रकारों का होता है, पत्रकारों ने अगर एक बात नागरिक वोटर्स के सामने रखी, वोटर्स सुनता है, तो पत्रकारों ने भी उस इस ये जो जो घटनाएं पिछले 5 साल से हो रही है उसका सब नजर में रखते हुए आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाना चाहिए। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेहता का भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आपने जो आवाज उठाई थी नागपुर हाउस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। जो यूएलसी का घोटाला मैंने नागपुर के हिवाली अधिवेशन में उठाया था, मेरी प्रमुख पहली मांग थी कि जो 28 बिल्डर इसमें यूएलसी का घोटाला जिन्होंने किया है, सब 28 बिल्डर लोग को अटक किया जाए, अरेस्ट किया जाए और उसके बाद उनको MRTP एक्ट के आगे में उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। उसमें सिर्फ 3 बिल्डर को अरेस्ट किया गया है, बाकी अभी तक खुले घूम रहे। उसके साथ अगर तुम 3 बिल्डर को अरेस्ट कर रहे हैं तो 3 बिल्डर ने किसके कहने के ऊपर ये भ्रष्टाचार किया है, तो टाउन प्लानर दिलीप घेवारे और उनका डेप्यूटी टाउन प्लानर। तो अगर तुम बिल्डर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं तो दिलीप घेवारे को क्यों अरेस्ट अभी तक किया नहीं, वो क्यों अभी तक भी ऑफिस में बैठा है, उसको किसने एक्सटेंशन दिया है? क्योंकि जो फेक OC दिए गए हैं, जो फेक फर्जी कागज पत्र बनाए गए हैं, वो दिलीप घेवारे ने ही मदद किया है। और दिलीप घेवारे ने खुद का नकली सर्टिफिकेट बनाया है, उसके ऊपर जो जोशी कलेक्टर थे तभी अश्विनी जोशी, उन्होंने भी कहा है कि इसको ये पद से निकाल डालो, तो भी ये आदमी 22 साल अगर वो पोस्ट पे है तो आज ये पोस्ट पे उसको रखने का क्या कारण? मुख्यमंत्री साहब ट्रांसपेरेंसी पारदर्शक की बातें करते हैं, तो मीरा भाईंदर में ट्रांसपेरेंसी कब लेके आएंगे? और मेरा स्पष्ट आरोप है, ये जो कोई दिलीप घेवारे है, इसको इसके पीछे यहाँ का आमदार नरेंद्र मेहता है, पत्रकारों ने, मेरे पास प्रूफ है। ये नरेंद्र मेहता के 2 लेटर मेरे पास है जो उन्होंने 13 जनवरी 2015 और 28 दिसंबर 2014 को लिखे है, जहाँ दिलीप घेवारे को वही पोस्ट पे रखे, ऐसा रिकमेंडेशन खुद नरेंद्र मेहता ने खुद के लेटर हेड पे किया है। मतलब दिलीप घेवारे अगर वो पोस्ट पे है तो उसके पीछे नरेंद्र मेहता है, ये स्पष्ट इधर होता है। ये आने वाले अधिवेशन में मैं उठाने वाला हूँ। मतलब अगर आप बिल्डरों को अरेस्ट कर रहे हैं, कल अगर दिलीप घेवारे को अरेस्ट करेंगे तो उतना ही जिम्मेदार नरेंद्र मेहता भी है, तो उसको भी अरेस्ट होना चाहिए, क्यों ये उसका लेटर खुद के लेटर हेड पे मेरे पास हाथ में है। सर, माने साहब का अकेला मामला नहीं है, ये लोग जिस तरह से पत्रकारों मीडिया को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, उस तरह से देश भर में चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने एक एग्जांपल दिया, दिल्ली में रामजस कॉलेज का भी मामला है, वहाँ पर भी BJP का परिहारोप है सब चीज़ का, ABBP। कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है इन लोग की दबंगई को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पा रही है। देखिए, आखिर में कोशिश के बाद ही किधर ना किधर तो सफलता आती है ना। हम लोग चुप तो नहीं बैठे। आज जब जहाँ जहाँ अन्याय हुई है, हो रहा है, वहाँ वहाँ कांग्रेस के लोग जाके उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। आज इनके ऊपर अन्याय हुआ, मैं आज इससे आपके सामने बैठा हूँ। इधर कांग्रेस पक्ष और हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। इसलिए तो मैंने कहा ना, इनके कितना भी लोग नाइंसाफी करे, लोगों को इंसाफ देने का काम हमारा, और हम उधर उधर पहुँच के लोगों की ताकत बन रहे। इसलिए जिधर जिधर लोगों के ऊपर इस तरह की नाइंसाफी हो रही, उन्होंने हमको संपर्क करे, हम उनके बाजू में खड़े रहने को तैयार है। सर, अभी हाल ही में जो इलेक्शन में रिजल्ट आया है, जिस तरह से कांग्रेस का और NCP के खिलाफ जितना आया है उसकी, और BJP इतना आगे बढ़ रही है, शिवसेना भी आगे बढ़ रही है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो, कभी भी महाराष्ट्र या देश के इतिहास में एक पद कांग्रेस भी काफ़ी आगे बढ़ रही थी, कभी BJP छोटी पार्टी थी। आज तो ये जो राजनीतिक जर्नी में, प्रवास में कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, मगर महाराष्ट्र में कोई भी रिजल्ट आया रहेगा, हमारे सिंधुदुर्ग में तो राणे और कांग्रेस ही चला है, तो ये सबक है कि महाराष्ट्र का कांग्रेस कौन आगे लेके जा सकता है। BJP को रोकने का ताकत सिर्फ हमारे राणे साहब में है। ये जितना जल्दी हमारी पार्टी समझेगी, उतने जल्दी कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आएंगे। कुछ मैसेज सेंटर के लिए कुछ मैसेज दे रहे हैं? मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। थैंक यू।